गुड इवनिंग मैथ्स का हम चैप्टर 1 आज शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति। नंबर्स मतलब संख्या है, सिस्टम मतलब पद्धति, सिस्टम्स पद्धतियां। नंबर सिस्टम संख्याओं की पद्धतियां, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, डिजिट्स अंक। देर आर 10 डिजिट्स, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। कुल 10 अंक हैं 0 से लेकर के 9 तक। नंबर्स संख्याएं, नंबर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। संख्याएं इन्हीं अंकों की मदद से बनती हैं। ये जो 10 डिजिट्स हैं 0 to 9, सिर्फ इन्हीं 10 डिजिट्स को मिला करके छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जितनी भी संख्याएं संभव हैं उतनी संख्याएं बनती हैं, बनाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 10 डिजिट्स, इन्हीं 10 अंकों की मदद से। नेक्स्ट, काइंड्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। इसका सिंबल है कैपिटल लेटर N। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिन संख्याओं की मदद से हम गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, किसी भी चीज को काउंट अप करते हैं, किसी भी चीज को गिनते हैं, उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। इसे पता चला ए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है इन्फिनिटी, जिसको कि नॉट डिफाइंड हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, अनंत। होल नंबर्स, इसका सिंबल है कैपिटल लेटर W। होल नंबर्स क्या है? सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स। 0 और नेचुरल नंबर्स को मिलाकर के जो सेट बनता है उस सेट को कहते हैं होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये है 0। और यहां से 1 से इन्फिनिटी तक क्या है? ये नेचुरल नंबर्स। 0 और 1 से इन्फिनिटी तक क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स। तो ये दोनों को मिलाकर के क्या सेट हो गया? 0 और नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया ना। तो 0 और नेचुरल नंबर्स के सेट को होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स आर सेट ऑफ 0 एंड नेचुरल नंबर्स। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड लार्जेस्ट होल नंबर इज इन्फिनिटी। अगर क्वेश्चन पूछे टेलर नंबर विच इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर, एक ऐसी संख्या बताओ जो होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, आंसर क्या होगा? 0। 0 होल नंबर है बट नेचुरल नंबर
नहीं है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं वन टू इनफिनिटी नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं बट सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, क्योंकि होल नंबर में ये जीरो आया, ये होल नंबर तो है बट नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है, यानी कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए कहते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट इंटीजर्स, इसका सिंबल है कैपिटल लेटर जेड। क्या है ये? इसकी शुरुआत है माइनस इंफिनिटी से, माइनस इंफिनिटी एंड सो ऑन, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये इंटीजर्स हो गए। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी। लार्जेस्ट इंटीजर प्लस इंफिनिटी। हिंदी में इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक संख्या है। होल नंबर्स को पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर्स को प्राकृतिक संख्या। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होंगे? माइनस इंफिनिटी, और लार्जेस्ट इंटीजर प्लस इंफिनिटी। इसको देख करके इंटीजर्स का डेफिनेशन तैयार होता है। कैसे बना इंटीजर्स? माइनस इंफिनिटी से लेकर के माइनस वन तक, फिर वन से लेकर इंफिनिटी तक, और फिर ये जीरो भी। यानी कि इंटीजर्स क्या बना? सेट बना किसका? निगेटिव नेचुरल नंबर्स जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। वन टू इंफिनिटी है ना नेचुरल नंबर्स, यही वन टू इंफिनिटी यहां पर प्लस में लिखे, यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। यही वन टू इंफिनिटी यहां पर माइनस में लिखे हुए, निगेटिव में लिखे हुए, तो निगेटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। और बीच में क्या आ गया? होल नंबर जीरो। इट मीन्स इंटीजर्स आर सेट ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं जीरो टू इंफिनिटी हो गए होल नंबर्स, हुए ना जीरो टू इंफिनिटी होल नंबर्स, और माइनस वन टू माइनस इंफिनिटी नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह भी हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर सेट ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। दो तरह से डिफाइन हुआ। इंटीजर्स आर सेट ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स जीरो एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, और इंटीजर्स आर सेट ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। नेक्स्ट इवन नंबर्स, हिंदी में सम संख्याएं। इवन नंबर्स आर नंबर्स एंडिंग विद जीरो और टू और फोर और सिक्स और एट। जिस किसी भी संख्या के अंत में जीरो, टू, फोर या सिक्स या एट आ जाए वो क्या है? इवन नंबर है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, द नंबर्स विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय टू, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स। या यूं भी कह सकते हैं कि जिस संख्या में दो से भाग दें और शेष जीरो आए वो है इवन नंबर। इवन नंबर्स आर नंबर्स विच वेन डिवाइडेड बाय टू लीव्स जीरो एज रिमाइंडर। तो हम इवन नंबर्स को तीन तरह से डिफाइन
कर सकते हैं। फर्स्ट वीक क्या है? इवन नंबर्स और नंबर्स एंडिंग विद जीरो और टू और फोर और सिक्स और एट। सेकेंड वे, इवन नंबर्स और नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। थर्ड वे, इवन नंबर्स और नंबर्स विच वेन डिवाइडेड बाय टू लीव्स रिमाइंडर एज जीरो। नेक्स्ट, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स और नंबर्स एंडिंग विद वन और थ्री और फाइव और सेवन और नाइन। ऑड नंबर्स वो नंबर हो गए जिनके अंक में वन या थ्री या फाइव या सेवन या नाइन होता है, वो हो गए ऑड नंबर्स। या यूं कहें कि ऑड नंबर्स वो हैं जिनमें टू से दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। या यूं कहें ऑड नंबर्स विषम संख्याएं, वो संख्याएं हैं जिनमें दो से भाग देने पर एक शेष आता है। तो इस तरह से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ऑड नंबर्स को? ऑड नंबर्स आर नंबर्स एंडिंग विद वन और थ्री और फाइव और सेवन और नाइन। इन अदर वर्ड्स, ऑड नंबर्स आर नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू। इन अदर वर्ड्स, ऑड नंबर्स आर नंबर्स विच वेन डिवाइडेड बाय टू लीव्स रिमाइंडर एज वन। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड बाय इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से ही विभाजित होते हैं, किसी और संख्या से भाग उनमें नहीं लगता है। एक से भाग लग जाएगा, अपने आप से भाग लग जाएगा, और जिस संख्या में एक और अपने आप से ही केवल भाग लगे, एक और उस खुद संख्या को छोड़ दे, तो किसी भी अन्य संख्या से जिसमें भाग नहीं लगे वो है प्राइम नंबर्स। यूं कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक है वन और दूसरा है वो नंबर खुद। तो इस तरह से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं प्राइम नंबर्स को? प्राइम नंबर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। इन अदर वर्ड्स, प्राइम नंबर्स आर नंबर्स विच हैव only two factors, that is one and itself. For example, 2, 3, 5, 7, 11 and so on up to infinity. इस तरह से a smallest prime number is टू, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज इंफिनिटी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। यहां पर एक चीज और हम मार्क कर रहे हैं, ये टू इवेन है और इसको छोड़ दे तो बाकी सब के सब ऑड हैं। सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है और वो है टू, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। को प्राइम नंबर्स ये पेयर में आता हमेशा, या ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन होता है,
और कोई भी कॉमन फैक्टर इनमें होता ही नहीं है, या यूं कहें कि को प्राइम नंबर्स दो नंबर्स का वो पेयर होता है जिसका अगर एचसीएफ निकाले तो वन आएगा। वैसे ही नंबर्स को कहते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल टू एंड थ्री, थ्री एंड फोर, टू एंड फाइव, थ्री एंड फाइव एंड सो ऑन। टू और थ्री में एचसीएफ निकालेंगे वन आएगा, या यूं कहें इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है और कुछ नहीं है। थ्री और फोर का भी अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वन आएगा, या यूं कहें इनमें एक ही कॉमन फैक्टर वो है वन। वही हाल टू एंड फाइव का भी है, इसलिए सारे क्या है को प्राइम नंबर्स हैं। देन ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन जुड़वा अभाज्य संख्या है, ट्विन का अर्थ है जुड़वा, यानी कि ये दो लगातार ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच में दो का डिफरेंस होता है। ट्विन प्राइम नंबर्स आर टू कंजेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ टू। फॉर एग्जाम्पल थ्री एंड फाइव, फाइव एंड सेवन, इलेवन एंड थर्टीन। यहां थ्री भी प्राइम नंबर है, फाइव भी प्राइम नंबर है, दोनों में डिफरेंस कितने का है टू का, फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। यहां फाइव भी प्राइम नंबर, सेवन भी प्राइम नंबर, और दोनों में डिफरेंस कितने का है सेवन माइनस फाइव टू। यहां भी इलेवन भी प्राइम नंबर, थर्टीन भी प्राइम नंबर, और डिफरेंस कितने का है थर्टीन माइनस इलेवन कितना आएगा टू। इसीलिए ये सब के सब क्या हो गए ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। ये हमेशा पेयर में लिखे जाएंगे, थ्री एंड फाइव, फाइव एंड सेवन, इलेवन एंड थर्टीन, सेवनटीन एंड नाइनटीन, ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी वन, इस तरह से। देन कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके पास मोर देन टू फैक्टर्स होते हैं, दो से अधिक फैक्टर होता है, यानी कि एक तो एक होगा वन, दूसरा वो संख्या खुद होगी, और उन दोनों कला में कम से कम कोई एक और संख्या जरूर होगी जो उस संख्या का फैक्टर होगी। या यूं कहें कंपोजिट नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें एक से तो भाग लगता ही है, अपने आप से भाग लगता ही है, एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक और संख्या से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है। ऐसे ही संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर, सिक्स, एट। अब फोर में देखिए वन और फोर से तो भाग लगता ही है, इसका अलावा इसमें टू से भी भाग लगता है, यानी कि दो से अधिक फैक्टर हो गए ना, एक फैक्टर हुआ वन, एक हुआ टू और एक हो गया फोर, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। ठीक उसी तरह सिक्स कंपोजिट नंबर है, क्यों, इसमें एक से भाग लगता है और छह से तो भाग लगता ही लगता है एक और छह से, यानी कि वन और अपने आप से भाग लगता है, इसके अलावा इसमें दो और तीन से भी पूरा पूरा भाग लग जाता है। इसका अर्थ हो गया सिक्स के कितने फैक्टर्स हो गए, फोर फैक्टर्स हो गए, एक हुआ वन, दूसरा टू, तीसरा थ्री और चौथा सिक्स, वन टू थ्री सिक्स, फोर फैक्टर्स हो गए, दो से अधिक हो गए ना, इसलिए सिक्स क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक इसी तरह एट भी कंपोजिट नंबर है, क्यों जी, क्योंकि एट में भी वन से तो भाग लगता ही है और अपने आप यानी केट से तो भाग लगता ही है पूरा पूरा, उसके अलावा इसमें टू और फोर से भी भाग लगता है, यानी कि यहां भी एट के कितने फैक्टर्स हो गए फोर फैक्टर्स हो गए, एक हुआ वन टू फोर एंड एट, फोर फैक्टर्स हो गए, दो से अधिक फैक्टर्स हो गए, इसीलिए एट कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे कोई भी नंबर जिस नंबर के पास दो से अधिक फैक्टर हो
दो से अधिक संख्याओं से उसमें पूरा का पूरा भाग लग जाता हो, ऐसी संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। देन फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस ऐसी संख्या जिस संख्या को हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक बात और यहां ध्यान दें, कंपोजिट नंबर्स में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर क्या निकला? 4। एंड लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा जी? इंफिनिटी हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शंस पे वापस है, फ्रैक्शंस ऐसे नंबर है जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जहां पी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? न्यूमेरेटर। और क्यू को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शंस आर नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, वेयर पी इज कॉल्ड एज न्यूमेरेटर, क्यू इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस के 5 काइंड्स हो सकते हैं। जीरो फ्रैक्शन, जीरो फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमेरेटर इक्वल टू जीरो होता है, डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो जाएगा बट न्यूमेरेटर जब भी होगा जीरो होगा, तो वो हो जाएगा जीरो फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर तो चेंज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, बट न्यूमेरेटर हमेशा क्या है? सिर्फ और सिर्फ जीरो। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? जीरो फ्रैक्शन। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमेरेटर 1 होता है। डिनोमिनेटर तो कुछ भी हो सकता है बट न्यूमेरेटर क्या होता है? 1। फॉर एग्जाम्पल 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं यहां पर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है बट न्यूमेरेटर हर हाल में क्या है? 1। इसलिए यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पर न्यूमेरेटर कितना होता है? 1। जीरो फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पर न्यूमेरेटर होता है 0। नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जहां न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमेरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमेरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है जी? छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 2/3, 2/5, 3/4, 3/5 एंड सो ऑन, बढ़ता चला जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं सभी एग्जाम्पल में न्यूमेरेटर क्या है? डिनोमिनेटर से छोटा है। यहां भी न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, 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 यहां भी न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। नेक्स्ट इंप्रॉपर फ्रैक्शन, ये वो फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। क्या होता है इंप्रॉपर फ्रैक्शन? वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। इंप्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन वेयर न्यूमेरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 2/1, 3/2, 3/1, 4/1, 4/3 एंड सो ऑन। इन सभी एग्जाम्पल्स हम क्या देख रहे हैं? न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसीलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखते हम लोग? डब्ल्यू एंड पी अपन क्यू। यह एक होल नंबर है, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। जहां भी किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखा जाता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 एंड
1 upon 2, 2 and 3 upon 4 and so on. ये सारे हो गए मिक्स फ्रैक्शन. नेक्स्ट डेसिमल नंबर्स. डेसिमल पॉइंट ऐसा लगाते हैं ना डॉट, इसी को बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. फॉर एग्जांपल 0.2, 3.5 ये डेसिमल नंबर्स हो गए. डेसिमल नंबर्स तीन तरह के. डेसिमल नंबर्स तीन तरह के. टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग में फिर से दो हो गए, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. और फिर उस नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो हैं, एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. इसलिए हमने कुल मिलाकर के तीन लिख दिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. या फिर हम ऐसे भी बांट सकते थे, हम दो टाइप बांटते, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में दो पार्ट करते, एक लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और फिर दूसरा लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल. उस तरीके से भी हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, लिख सकते थे, बोल सकते थे, बता सकते थे. मैंने क्या किया, डायरेक्टली ये तीन लिख दिया. रिपीटिंग को ही हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं. ये जो रिपीटिंग लिखा है ना, इस रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं. टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट होने वाला यानी कि समाप्त हो जाने वाला, जिसका अंत हो जा रहा हो, कहीं ना कहीं जाकर के वो रुक जा रहा हो, तो ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स क्या हो, फिक्स हो, टर्मिनेट हो जा रहे हो, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स ही आ रहे हो, वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल. फॉर एग्जाम्पल 0.2, 1.9562308, 0.001. सभी एग्जाम्पल्स में आप क्या देख रहे हैं, डेसिमल के बाद यहां पर एक डिजिट है, यहां भी ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, रुक गया. यहां डेसिमल के बाद इतने ही डिजिट्स हैं, इसके बाद ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, और डिजिट्स नहीं आएंगे. इसमें भी डेसिमल के बाद यहां करके टर्मिनेट हो गया, इतने डिजिट्स हैं, फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उसके बाद और डिजिट्स नहीं आएंगे. तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग, नाम ही बता रहे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि डेसिमल के बाद डिजिट्स फिक्स नहीं होंगे. डिजिट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, डिजिट्स आना बंद ही नहीं होगा, रुकेगा नहीं डिजिट्स आना, डिजिट्स कहीं भी टर्मिनेट नहीं होंगे, डिजिट्स आते रहेंगे. पर जो आएंगे वो कैसे रहेंगे, रिपीटिंग, यानी कि जो बार 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 डिजिट्स आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं. यानी कि कुछ डिजिट, चाहे एक डिजिट हो या एक से अधिक डिजिट हो, वही डिजिट बार 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 रिपीट हो रहे हैं और नंबर को कहीं टर्मिनेट नहीं होने दे रहे हैं, समाप्त नहीं होने दे रहे हैं, रुकने नहीं दे रहे हैं, एंड नहीं होने दे रहे हैं, तो वही हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल. एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 0.01010101 एंड सो ऑन, बढ़ते ही चले जा रहा, डिजिट्स आने रुक नहीं रहे हैं, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग. पर हम ये
साथ साथ ये चीज भी देख रहे हैं कि 01 01 01 01 01 01 ये बार बार रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे भी लिख सकते हैं, 0.01 के ऊपर बार, 0.01 और 01 के ऊपर क्या लगा है, बार। यही है रेकरिंग या बार, इस तरह से भी लिखते हैं। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक बार फिर से नाम बता रहे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नंबर तो टर्मिनेट ही नहीं होगा, ये भी डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद डिजिट्स कहीं भी समाप्त नहीं होंगे, और डिजिट आते रहेंगे, नौटंकी चलती रहेगी, कहीं भी कहानी ये रुकने वाली नहीं है डिजिट्स के आने के। पर होगा क्या, जो डिजिट्स आएंगे वो नॉन रिपीटिंग होंगे, यानी कि बार बार बदल के ही डिजिट आएगा और वो रुकेगा ही नहीं। इस तरह से बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। फॉर एग्जाम्पल 0.9876201954 6 3 and so on। अबे देखिए सो ऑन डॉट डॉट है, यानी कि रीड्स आने रुक नहीं रहे, डिस चलते रहेंगे आते रहेंगे। नंबर ही कहीं भी टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। पर ये नॉन रिपीटिंग भी है, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, यहां पर हमेशा डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं, 9876201 9, या 9 आया होगा, आपको लगा होगा कि अब डिजिट्स रिपीट हो रहा है, कहां रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट होता तो फिर से वही कहानी आती, 9 के बाद क्या रहता, 8 7 6 2 0, यही वाली चीज आती ना, पूरी की पूरी यहां से यहां तक सब कुछ उठ के आ जाता, पूरा का पूरा यहां था, फिर से 9 8 7 6 2 0 आता, ऐसा नहीं आया। यहां एक बार फिर 6 आया तो इसको भी देख के लगा होगा कि अभी रिपीट हो रहा, कहां रिपीट हो रहा, अगर रिपीट होता तो 6 के बाद ये पूरा आता उठ कर 6 2 0 1 आता, पर 6 के बाद यहां तो क्या आ गया, 3 आ गया ना, डिजिट चेंज हो गया, यानी कि ना तो नंबर कहीं टर्मिनेट हो रहा है और ना ही डिजिट्स रिपीट हो रही है। रिपीट होने के लिए ललचा तो रही है, ऐसा लग रहा है कि रिपीट होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट चेंज। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल। क्योंकि डेसिमल नंबर्स। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का सिंबल होता है कैपिटल लेटर क्यू। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और क्या होगा, पी एंड क्यू आर को प्राइम, यानी कि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर होने के लिए ये तीन शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त कि उस नंबर को हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी शर्त है कि जब उसको हम फ्रैक्शन के रूप में यानी कि पी अपन के ग्रुप में लिख सकते हैं, तो ये जो क्यू है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है, -1 2 3 -4 -5 -6 लेटर माइनस इन्फिनिटी तक हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, जीरो छोड़ करके कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में आ सकता है, जीरो नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। और तीसरी शर्त क्या है कि ये P और Q है यानी कि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है ये होने चाहिए को प्राइम। अभी अभी आज कैसी क्लास में थोड़ी देर पहले मैं को प्राइम पढ़ाया था, को प्राइम नंबर्स हमेशा पेयर में आते हैं और ये वो नंबर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो है 1। यानी कि को प्राइम नंबर्स ऐसे पेयर नंबर्स होते हैं जिनका अगर एचसीएफ निकाले तो कितना आंसर आएगा, 1।
HCF, जिसको कि जिससे ने भी बोला जाता है, वो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसके अलावा और भी कुछ नहीं हो। तो यहां भी P और Q क्या होना चाहिए? अगर इसका हम HCF या GCD निकाले, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, तो 1 है। या कहें कि P और Q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और ठेठ भाषा में बात करें तो P और Q आपस में कटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रेशनल नंबर है, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं है। ये तीनों की तीनों शर्तें पूरी हो रही है तो वो तो रेशनल नंबर है। तीनों में से कोई भी एक या एक से अधिक शर्त पूरी नहीं हो रही है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। इस हिसाब से हम देखें तो हमारे रेशनल नंबर के लिस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं? रेशनल नंबर्स के लिस्ट में हमारे आएंगे नेचुरल नंबर्स, ये भी रेशनल नंबर है। होल नंबर्स भी रेशनल नंबर है, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है, इवन नंबर्स भी रेशनल नंबर है, ऑड नंबर्स भी रेशनल नंबर है, प्राइम नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स भी रेशनल नंबर्स हैं। फ्रैक्शंस में वो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, केवल वही वाले फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होंगे। लेकिन जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट, डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ही रेशनल नंबर होते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर नहीं होता है। तो ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। देन इरेशनल नंबर्स। इरेशनल यानी कि नॉट रेशनल, वो नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या है? इरेशनल नंबर है। इसका अर्थ है कि रेशनल नंबर होने के लिए हमारे पास तीन शर्तें हैं। पहली शर्त, उस नंबर को हम P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी शर्त है रेशनल नंबर होने के लिए कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तीसरी शर्त है कि P एंड Q आर को प्राइम, यानी कि P और Q न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर कोई नंबर को हम P अपन Q ग्रुप में लिख ही नहीं सकते तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। अगर उसको हमने P अपन Q ग्रुप में लिख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर की जगह क्या आ गया? जीरो आ गया, तब भी वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। यानी कि अगर 2 अपॉन 0 लिखा है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। अगर कोई नंबर है P अपॉन Q में भी लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, नॉन जीरो नंबर है, ये भी शर्त पूरी, ये शर्त भी पूरी, लेकिन P और Q क्या है? को प्राइम नहीं है, तब ऐसे में वो नंबर भी क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि तीन में से कम कोई भी एक शर्त फेल है तो नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल। इरेशनल का अर्थ ही है नॉट रेशनल, यानी कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो जाहिर सी बात है इरेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम रेशनल नंबर की? रेशनल नंबर के बारे में लिखे, रेशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। और इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल। इरेशनल नंबर में और क्या एग्जांपल आ सकते हैं? 2/3 आएगा, पाई आ जाएगा, पाई हम लोग यूज करते हैं ना मैथ्स में, ये पाई, ये भी इरेशनल नंबर है। और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये वाला, यह भी इरेशनल नंबर होता है। उसका एक एग्जांपल लिख सकते तुम लोग, 0.01001001000001 एंड सो ऑन, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये इरेशनल हो जाएगा। रूट अंडर कोई भी प्राइम नंबर लिख दो, 2√3 root 5 and so on, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स
हो जाएंगे। नेक्स्ट, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, यानी कि वो नंबर जो सचमुच होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनको कहते हम लोग रियल नंबर्स, और इनका सिंबल होता है कैपिटल लेटर आर। तो अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े वो सब के सब रियल नंबर्स ही हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? रियल नंबर्स आर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सेट को रियल नंबर्स कहते हैं। तो अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो दो ही कैटेगरी में बट रहा है, कुछ नंबर्स रेशनल नंबर में जा रहे हैं, बाकी जो बच जा रहा है वो इरेशनल नंबर में आ रहे हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर के क्या हो गया? इरियल, रियल नंबर्स हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में क्या क्या इंक्लूड हो गया? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ये सब के सब रियल नंबर्स में इंक्लूड हो गए। यानी कि जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा वो सब के सब रियल नंबर्स हो गए। यहां पर एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ठीक इसी तरह हम कह सकते हैं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक इसी तरह कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। नेक्स्ट, उसी तरह इन सब के बारे में हम कह सकते हैं। तो जो समझाया कॉन्सेप्ट उसके अनुसार अब आप खुद भी ऐसा कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन कौन हो सकता है और कौन कौन नहीं हो सकता। लास्ट जो नंबर है हमारे लिए वो है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं, यानी कि वो संख्याएं जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती, होती नहीं है। हम मान लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, उसी इमेजिन से बना हुआ है वर्ड इमेजिनरी। हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा भी कोई एक नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर्स को या तो हम लोग स्मॉल लेटर आई या स्मॉल लेटर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इमेजिनरी नंबर का ले सकते हैं रूट अंडर माइनस वन, रूट अंडर माइनस वन, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? रूट अंडर माइनस वन का अर्थ क्या हुआ कि कोई एक ऐसा नंबर तो है, आई नंबर तो है, जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर माइनस वन आ रहा है, पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर वो माइनस में आ जाए, यानी कि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए इस तरह के नंबर को क्या कहते हम लोग? इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इसके बारे में डिटेल्स हायर क्लासेस में हैं। तो यहां पे हमारा मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम्स, नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, इंट्रोडक्शन को, वो हमने यहां पर रख दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। यहां पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है ना भी दिखाई दे, नहीं भी समझ में आए, तो इन सभी नंबर्स का प्रॉपर डेफिनेशन एग्जांपल्स वगैरह के साथ नोट्स बना करके हमने ऐप के स्टडी मटेरियल में अपलोड कर दिया है। आप वहां से भी देख करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, या फिर अपने नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।